दोस्तों, क्रूड ऑयल का जो हमने एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी और निफ्टी के वीडियो में, जिसमें मैंने आपको इस जगह पे एंट्री दी थी, और अभी यहाँ तक आते आते हमारी एंट्री यहाँ पर अच्छी होती हुई दिखाई दी। देख सकते दोस्तों यहाँ पर कितनी बड़ी यहाँ पर हमें मूव देखने को मिली, और साथ ही साथ जो मैंने यहाँ पर क्रूड ऑयल में ऑप्शन में 333 पे एक कॉल बाय किया था, जिसका टारगेट यहाँ पे है 358 25 पॉइंट का। आप देख रहे हैं लाइव ये एनालिसिस, और साथ ही साथ और एक सी था जिसका भी टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया 5650 का, जो मैंने 308 पे लिया था, और यहाँ पे उसे हमने बेच दिया है 333 पे, जिसका मतलब है कि 25 पॉइंट्स यहाँ पर भी हमारे बन चुके। तो दोस्तों, ये जो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया था, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि यहाँ पे जो क्रॉसओवर हो चुका है 200 मूविंग एवरेज को, 9 मूविंग एवरेज ने यहाँ पे काट दिया था। ठीक है, इस लॉजिक को मैंने मेरे पिछले कई दो चार वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया है, अब ये यहाँ पर आकर रुकेगा। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं होगी यहाँ पे। अब इसके ऊपर जाने की कोशिश क्यों नहीं होगी, तो ये जो लेवल है ये सेलर्स के लेवल है, और जिस जो भी सेलर यहाँ पे हैं, क्या कोई सेलर अगर उसे पता हो कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो इस लेवल पे बेचेगा? नहीं, वो और भी ज़्यादा ऊपर जाने का वेट करेगा और उसके बाद बेचेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्राइस पे बेचना उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो ये सेलर इसके ऊपर जाकर ही बेचेगा, लेकिन फिर उसने इस जगह पे क्यों बेच दिया? क्योंकि उसे ये पता था कि इसके ऊपर बायर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, या फिर बायर के लिए ये ऊपर का सौदा काफ़ी घाटे का महंगा साबित हो सकता है, इसलिए वो इस लेवल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बेचेगा, इसलिए उसने यहाँ पे ही बेचना शुरू किया। अब हमारी एंट्री यहाँ पे कहाँ हो सकती थी? इस लेवल को क्रॉस करते ही इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हमारी एंट्री यहाँ पर अच्छी खासी हो सकती थी। ठीक है, अब इस ट्रेड में मैंने एंट्री लेने का क्यों सोचा, देखिए, और मैं दिन में सुबह क्यों एंट्री नहीं लेता, काफ़ी देर के बाद क्यों लेता, तो उसकी वजह यह है कि जैसे मार्केट यहाँ पे गिरा, उसके बाद यहाँ पे बाइंग दिया, फिर उसने यहाँ पे बाइंग दिया, यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हंट नहीं हुए थे, मार्केट ऊपर गया जिसने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, साथ ही साथ 200 मूविंग एवरेज को 9 मूविंग एवरेज ने भी क्रॉस कर दिया, उसके बाद थोड़ी बहुत सेलिंग हुई। अब ये सेलिंग क्यों होती है? ठीक है, ये जो सेलिंग होती है तो मार्केट डायरेक्टली इस तरीके से नहीं जा सकता है। ठीक है, तो जो भी इस लेवल पे बाय करेगा वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेगा, मतलब जो काफ़ी लंबी रेस के घोड़े नहीं होते, वो छोटे छोटे लेवल के इस तरीके से बाइंग करेगा, तो इस जगह पे जो कोई बाय करेगा वो शायद यहाँ पे जाके सेल करेगा, तो इस तरीके से प्रॉफिट बुक करते करते ही मार्केट ऊपर जाता है। जैसे कि अब हमने यहाँ पे एंट्री ली और हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे किया होगा। ठीक है, अब लॉजिक जो यहाँ पे लगाया था वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि यहाँ पे बाइंग हो गई, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था इसमें एंट्री करने का कि जब इस लेवल से मार्केट नीचे आया था और यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनी थी, तो इसमें जो बायर आए थे, वो जो बायर हैं उनकी सोच क्या होगी कि अब इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, तो इसमें कई बहुत बड़े ऑपरेटर भी होते हैं, बहुत बड़े बायर भी होते हैं, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, अगर वो लोग ये सोच रहे हैं कि इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, इसके नीचे सेलर नहीं आएंगे, इसके नीचे सेलर क्यों नहीं आएंगे, उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि सेलर अगर समझो यहाँ पे 100 रुपये का चीज़ बेच सकता है, तो यहाँ पे आके 10 रुपये में वही चीज़ क्यों बेचेगा? वो अभी वेट करेगा, यहाँ तक कम से कम वो चीज़ 90 रुपये का होना चाहिए तभी मैं बेचूँ। ठीक है, क्योंकि अभी वो कहीं ना कहीं तो बायर होगा,
उसने कहीं ना कहीं यहाँ पे वो बाई किया होगा 50 पे, 60 पे, 70 पे, तो वो चाहेगा कि वो 90 पे चीज़ बेचे, ठीक है, या फिर यहाँ पे बाई किया होगा, उसने बेचा ही नहीं होगा, वेट कर रहा होगा, यहाँ पे एवरेज किया होगा। इस तरीके से लॉजिक लगा के हमें सोचना चाहिए कि एक्चुअली सेलर के और बायर के माइंड में क्या चल रहा होता है, डिमांड सप्लाई किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो बिल्कुल वही सब चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको समझाई कि मुझे यहाँ पे पता चला कि इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं आएगा तो यहाँ से बाइंग होगी। अब आपको और एक बात बताता हूँ कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, मतलब जो भी सेलर थे यहाँ पे, और इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो और भी ज़्यादा बाइंग हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बस मुझे कुछ लॉजिक यहाँ पे बताना था, और जो भी हमने क्रूड ऑयल में एंट्री किस तरीके से की, किस तरीके से हमें प्रॉफिट हुआ, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी, वो मैंने यहाँ पे कर दिया आपके सामने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।